इस पाठ की अंतिम पंक्तियाँ, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम सब से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसकी व्याख्या होगी, सुन लो पहले, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, यह धरती, ये मातृभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, ये हमें क्या है, ये हमारी माँ है और ये हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। कहने का अर्थ है, हर बालक यानी जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया है उसकी, उसके जिम्मे ये पहरेदारी रहेगी। चौकस पहरेदारी का मतलब सावधानी से के साथ अपने देश की रक्षा करना, उसकी चौकस पहरेदारी है, यानी हर बालक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की सेवा करे और रक्षा करे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, कहने का अर्थ है, बोलो हम सब मेहनत खूब करेंगे, हमारे सामने देश पर जो संकट आया है उसको मिटाने के लिए हमारे सामने कठिन परीक्षा है, हमारे देश का हमें विकास करना है, हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा है कि हमारी क्या है, कठिन परीक्षा है तो हमें इसमें पास होना है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, कि इस कठिन परीक्षा को देश की सेवा करने के लिए हमने हमारी माँ का यदि दूध पिया है और सौगंध किसकी खाई है, हमारी माँ की सौगंध खाई है, हम माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे देश के लिए हम अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे। फिर अगली वाली लाइन, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, यानी ये जो हमें जन्म मिला है इस धरती पर इस बार, इसी उम्र में हम अपना नाम बना ले, परिचय पाले श्रम से और बलिदान से, या तो मेहनत करके खूब मेहनत करेंगे तो हमारा नाम होगा, या फिर हमारे देश के लिए बलिदान हो जाएंगे, सर्वस्व त्याग कर देंगे, शहीद हो जाएंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे हिंदुस्तान के जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। अब इन्हीं पंक्तियों में से मैंने कुछ शब्दार्थ लिए हैं ताकि आपको आगे पीछे न जाना पड़े, और इसी में से आपको पूरे पढ़ के आप आराम से याद कर सकते हो। शब्दार्थ है, पहला शब्द जान, जान का अर्थ है यहाँ पे प्राण। अगला शब्द सदियों, सदियों का अर्थ है 100 वर्षों से अधिक या बहुत समय, यानी 100 वर्षों से अधिक का समय, उसे कहते हैं सदियों। अगला शब्द कठिन, कठिन का अर्थ है मुश्किल। अगला शब्द चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना, यानी हमारी मातृभूमि की हम सावधानी के साथ क्या करेंगे, रखवाली करेंगे। अगला शब्द मेहनत, मेहनत का अर्थ है परिश्रम। अगला शब्द उम्र, उम्र का अर्थ है आयु। अगला शब्द सौगंध, सौगंध का अर्थ है कसम। यह हो गए इन पंक्तियों में से लिए शब्द, अब है इन पंक्तियों में से लिए कुछ पर्यायवाची शब्द, देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, यानी उस शब्दों को अपन और किन किन नाम से बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला शब्द मेहनत, मेहनत का अर्थ है यहाँ पे परिश्रम, श्रम और मशक्कत। अगला पर्यायवाची शब्द जान, जान के पर्यायवाची होंगे जीवन, प्राण और जिंदगी। अगला शब्द धरती, धरती के पर्यायवाची सबको पता है, धरती माता को अपन किन किन नामों से पुकारते हैं, भू, भूमि और धरा। अगला शब्द कसम, कसम के पर्यायवाची होंगे सौगंध, शपथ या प्रतिज्ञा। अगला शब्द है लास्ट दूध, दूध के पर्यायवाची होंगे दुग्ध, गोरस, गोरस का मतलब गाय का दूध या पर। ये हो गए अपने पर्यायवाची शब्द। अब लेते हैं अपन लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। पहले तो लिंग कैसे कहते किसे हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का होने का या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, यानी अपनी जाति का बोध करवाता है। पुरुष हैं तो
पुल्लिंग कहलाएगा और स्त्री है तो स्त्रीलिंग कहलाएगी। वैसे यहाँ पे इन पंक्तियों से मैंने कुछ शब्द लिए हैं जिससे आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने हैं। पहला है शेर, शेर यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा शेर का शेर। उसी तरह अगला शब्द बालक, बालक का स्त्रीलिंग बनेगा बालिका। अगला शब्द माँ, माँ स्त्रीलिंग में दे रखा है तो आपको पुल्लिंग बनाना है, तो माँ का पुल्लिंग होगा ब। ये हो गया आपके लिए। अब है इन्हीं पंक्तियों से लिए कुछ प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हमें प्राणों से प्यारी क्या है? उत्तर होगा, हमें प्राणों से प्यारी मातृभूमि है। दूसरा प्रश्न, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? उत्तर है इसका, सावधानी के साथ मातृभूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, हमारे सामने कौन सी कठिन परीक्षा आई है? इसका उत्तर होगा, हमारे सामने देश की रक्षा व विकास करने की कठिन परीक्षा आई है। अगला प्रश्न है, इस उम्र में हम परिचय कैसे पा सकते हैं, यानी जो उम्र है हमारी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस उम्र में हम मेहनत से और देश के लिए बलिदान देकर परिचय पा सकते हैं, यानी हम कुछ न कुछ अच्छा काम करके हमारा नाम कर सकते हैं। आगे जो पाठ के पीछे कुछ दे रखे हैं, बाकी सारे आपके जैसे जैसे मैंने व्याख्या की उससे आपको जो प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने करवा दिए, लेकिन पाठ के पीछे कुछ अलग शब्द दे रखे हैं, एक वचन दो वचन के, वो अपन यहाँ पे करते हैं। एक पहला नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में बदल कर लिखे, यानी यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो बहुवचन में, उनको आपको एक वचन में बदल कर लिखना है। पहला शब्द है सवारिया, सवारिया शब्द का एक वचन बनेगा सवारी। मैं पहले यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, आगे भी मैंने वीडियो में बताया है, यदि सवारिया यदि पीछे या शब्द आता है तो आगे वाली मात्रा छोटी हो जाती है, और जैसे ही अपन उसका एक वचन बनाते हैं तो ये मात्रा वापस एक वचन में बड़ी हो जाती है। यदि या शब्द आता है तो मात्रा छोटी हो जाएगी आगे वाली, और वापस एक वचन करेंगे तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यह जो बना है ई प्लस अ से बना है तो ऑलरेडी एक ई उसके अंदर है, तो आपको इस बात का पक्का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मात्रा की गलती हो सकती है। या शब्द आते ही मात्रा छोटी हो जाएगी, और या शब्द वहां से हटते ही एक वचन बनाते ही वापस मात्रा बड़ी हो जाएगी। दूसरा शब्द लेते हैं क्यारिया, क्यारिया का एक वचन होगा क्यारी। अगला शब्द बिवाइया, बिवाइया का एक वचन होगा बिवाई। अगला शब्द दवाइया, दवाइया का एक वचन होगा दवाई। अगला शब्द मिठाइया, मिठाइया का एक वचन होगा मिठाई। अगला शब्द तैयारियां, तैयारियां का एक वचन होगा तैयारी। अगला शब्द सलाइया, सलाइया का एक वचन होगा सलाई। अंतिम शब्द एक वचन बहुवचन का चटाइया, चटाइया का एक वचन होगा चटाई। अब आप इसमें देख लो सब में या शब्द आया है तो सबकी मात्रा छोटी हो गई, और जैसे इसको अपन ने एक वचन किया तो पीछे वाली मात्रा वापस बड़ी हो गई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब है यहाँ पे पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखो, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं उसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है उसको आपको अलग अलग छांट कर लिखना है। वैसे लिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति होने का या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखो जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, जो पुरुष जाति का कराता है पुरुष पुल्लिंग कहलाता है। अब आप कहोगे मैडम हम पहचानेंगे कैसे, तो आप इसमें से मिट्टी, मिट्टी लिया, अब मिट्टी के आगे आप मिट्टी, आपको क्या लगता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटी सी ट्रिक है, इस शब्द के आगे या
कैसी है? अच्छी है ना। तो मिट्टे किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। अगला शब्द है उंगली। मैंने आपको समझाने के लिए पहले बोला इसके आगे अच्छा अच्छी कोई शब्द लगा के देखो या उस शब्द को बोल के देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे शब्द होते हैं जो अपने को कभी समझ में नहीं आते। तो उंगली, उंगली बड़ी छोटी इस तरीके से भी अपन पहचान कर सकते हैं, या उंगली अच्छी है बड़ी है। तो ये किसमें आ रही है? अपने को किस जाति का बोध करवा रही है? भी अपने को स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो ये किसमें आएगी? स्त्रीलिंग। अगला शब्द है हीरा। अब इसके आगे अच्छा अच्छी लगा के देखो, हीरा अच्छा है तो सही लगना है वर्ड, हीरा अच्छी है। अलग लगना है ना शब्द, शब्द आपको समझ में आना चाहिए। हीरा कैसा है? अच्छा है, तो ये शब्द सही लग रहा है, हीरा अच्छी है। नहीं लग रहा ना सही, तो हीरा किसमें आ रहा है? अपने पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। तो हीरा कहाँ आएगा? पुल्लिंग में। अगला शब्द है बालक। अब बालक तो आपको पता ही है, बालक तो आप जानते हो पुरुष है ना, पुरुष जाति में आता है। तो बालक किसमें आएगा? पुल्लिंग में। अगला शब्द है अपना परीक्षा। अब परीक्षा, मैंने शब्द आपको बताया अच्छा या अच्छी, परीक्षा अच्छा है, सही नहीं लग रहा ना, परीक्षा अच्छी परीक्षा है या परीक्षा अच्छी है। तो अच्छा अच्छी लगा के अपन शब्द निकाल सकते हैं। तो परीक्षा के लिए किसमें आएगी परीक्षा? स्त्रीलिंग में आएगी। अगला लास्ट अंतिम शब्द है दूध। अब दूध किसमें आएगा? देख लो आप खुद बना के देखो, दूध अच्छा है या अच्छी है ना। शब्दों से अपने को पता चल रहा है दूध अच्छा है, दूध ज्यादा है ना। तो ये दूध किसमें आ रहा है? पुल्लिंग में, यानी ये पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द हैं। ये हो गया।